हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लामी के एडमिशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिर से जामिया की ओर से एक नए फॉर्म लाए गए हैं। आप इसके लिए जामिया के वेबसाइट पर जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। जैसे जब इसके वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा इस तरीके का आइकन ओपन होगा। थोड़ा सा वेबसाइट पे ओपन होने का टाइम दीजिएगा। जब भी ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन आपके पास अभी जो फॉर्म फिर से जो आया है वो डिस्टेंस मोड में जामिया की ओर से MBA कराया जाता है। जिस भी स्टूडेंट को MBA जामिया से करना है उसके फॉर्म आ चुके हैं। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके का आइकन ओपन होगा। इसके बाद इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे और आते ही कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा। नए स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इनको सिंपल सी बात है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, ये रहा सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन रिवाइज प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस रहा और ये MBA का नोटिफिकेशन रहा। हम एक करके डाउनलोड करके बताते हैं आगे क्या है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हम और भी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू पे, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अभी ओपन हो रहा है, हम आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के तौर पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि फॉर्म लाइव हो चुके हैं, फॉर्म फिल करने का लिंक अभी जस्ट हम आपको बताएंगे। फॉर्म जो फिल होगा, लास्ट डेट रखा गया 10 जुलाई, 22 जुलाई का इसका एंट्रेंस होगा, टेस्ट होगा। रिजल्ट जो आएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त को आएगा। इसके अलावा जो है रिजल्ट जो है वो उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन फॉर्मेलिटी जो है 31 अगस्त 2023 तक करा लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप MBA करना चाहते हैं, इन सब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलिजिबिलिटी बता दिया गया है, जैसे आपका सिंपल बैचलर्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा ये जो होंगे 2 साल के कोर्स होंगे और सिलेक्शन जो है एंट्रेंस बेस्ड है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें, यानी फॉर्म फिल करने की बात करें, तो 1500 चार्जेस हैं। और अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो 25,000 होगा 1 ईयर का, यानी कि 2 साल, यानी 50,000 लगेंगे इस MBA कोर्स को कंप्लीट करने में। रहा सवाल आपका टेस्ट को लेकर, जो एंट्रेंस होगा उसमें 2 घंटे का पेपर होगा। पहला 2 घंटे में टोटल 100 MCQ रहेंगे और 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। उसके सिलेबस बताया गया है, इंग्लिश के सेक्शन से आपको कुछ इस तरीके के सवाल दिखेंगे। सेक्शन 2 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटीज 20 मार्क्स, डेटा एनालिसिस एंड सफिशियंसी से 20 मार्क्स पूछे जाएंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से 20 मार्क्स और नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट से 20 मार्क्स के सवाल आएंगे। टोटल मार्क 100 मार्क्स का सवाल बनते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल गाइड हैं जो आप पढ़ सकते हैं इसमें। यही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था, मैंने बता दिया है। अब इसके बाद आते हैं कुछ बाकी फॉर्म्स के बारे में। आप जामिया की वेबसाइट पे जाएंगे तो जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स डिस्टेंस मोड के थ्रू करना चाहते हैं जामिया में, तो उसके भी फॉर्म आ चुके हैं। इसके फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट जो है 30 जून है। इसके अलावा रिजल्ट आपको पता ही है कि अलग अलग कोर्सेज के आने शुरू हो गए, आ भी रहे हैं, और स्पोर्ट्स का भी रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपको इंतजार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। हाँ, अब एट द एंड में एक बात ये भी बता दें कि जामिया की ओर से एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है, आप इस लिंक के थ्रू आपका अप्लाई होगा, BSW बैचलर इन सोशल वर्क के नाम से जामिया में कोर्स लॉन्च हुआ है। इसमें मात्र 20 सीट्स हैं, बट इसके जो एंट्रेंस होने वाले हैं वो आपके एंट्रेंस होंगे ठीक आपके इसका जो एंट्रेंस होने वाला है वो ठीक 15 जुलाई को रखा गया। ये देख सकते हैं यहाँ पे 22 जून तक इसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, इनकल तक लास्ट डेट है, फिल कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें बात कर लें, जो भी स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट अभी जो AMU का रिजल्ट आया उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर भी और अभी सोशल मीडिया पर इस तरीके से इन्फॉर्म किया अभी स्टूडेंट को। तो आप भी अगर जामिया के BSW के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट को भी आपने ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स टाइप में, बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है, आप डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू।